कुसन चुटाला मुर्दाबाद 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 लटर पटर मुर्दाबाद 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 सीएम वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो जो पुलिस की वर्दी में था, कांस्टेबल था या हवलदार था, एएसआई था, जो मुलाजिम जो भी था, वो उसको थाने में लेके गया है, थाने से छोड़ दिया है, या उसको बाहर की बाहर परिवीन का कोई पुलिस वाला रिश्तेदार था जिसने साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया, और जो भी था, ये भी हो सकता है कि तू मेरे साथ वर्दी में चल, तेरा साड़ा भी जीजा भी बुआ भी पुपा भी कोई कोई पुलिस में लग जाता है, एक बार दबका दिखा गया के बेरा लगे किसी का, हर बार की बार नहीं चला और काट कर, ये हो सकता है। अगर आपका स्टाफ का आपका थाने का बंदा है तो उसको भी आप सामने लेके आओ। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है, जो 112 नंबर की गाड़ी गई उस गाड़ी में बिठाकर उसको लेके गए हैं, फिर 2-2:30 बजे वापस लेकर आते हैं, वही गाड़ी छोड़ के जाती है या अकेला आता है? वही गाड़ी उसको छोड़ के जाती है, छोड़ के नहीं जाती है उसको। और उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, उसी आदमी को सुपुर्द कर देती है पुलिस उसको। जब कितनी बड़ी अगर उसने चोरी की है, हम मान लेते हैं उसने चोरी की है, पुलिस कानून कार्रवाई करे, चोरी की धाराएं लगा के उसको अरेस्ट रखे, अगला दिन कोर्ट में पेश कर दे। ये थोड़ी कि जिस आदमी ने कंप्लेंट की है उसी आदमी को दे दिया उसको, वो 2-2:30 बजे घर आता है, फिर दोबारा पुलिस बिठा के उसको ले जाती है और साथ में प्रवीण होता है। तो कितना षड्यंत्र से ये मर्डर हुआ है, और 45 साल से उसकी ज्यादा एज है, कितनी एज है? 48 साल है। और 48 साल का आदमी पहली बात तो चोरी नहीं कर सकता, उसकी लड़की शादीशुदा है, 2 लड़के हैं मेरे, अगर चोरी हम करते कर ली भाई, हमारा तुम्हारा समाज के लोगों पर तो नहीं कर दी, जब नहीं मान लेंगे, कर भी ली तो उसको पुलिस कार्रवाई करे, एक मारा आदमी मार दिया, हम बराबर में 10 आदमी मारेगा, कौन सा कानून में लिखा है भी वो 10 आदमी मारे? हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं भी आपके वाले करेंगे और आप उनको अरेस्ट करके उसको जेल में ठोको, तो यही कानून है, बराबर में मर्डर तो नहीं कर सकते ना, अफगानिस्तान तो नहीं है यहाँ, तालिबान भी नहीं है, तो चोरी का बदला इस बंदे को मार दे सर। ये तो मिर्चपुर वाली कांड वाली बात होगी कि छोटी सा मैटर वास्ता के लगे गरीब भूख दो। और सबसे दुख की बात यह है, जैसे ही मैं आया हूँ 1 घंटा से, कह रहे जी SHO साहब तो 3 बार आए हैं, DSP साहब के पास केस है या आपके पास ही मर्डर? तो DSP के पास जाता 300 DSP साहब यहाँ आके 2 मिनट भी नहीं है कोई मारने, भाई DSP एक बार तो आ जाओ आप आगे, जैसे एक बार इनका दिल थोड़ा सा धैर्य तो देखे जाए भाई, कोई ना चिंता ना करूँ जी। ये तो आप विधान के होते थे जितना जल्दी हो जाए बिल्कुल, उसके बाद जो आपकी जो ये वो बाद में लेंगे कनेक्शन भी, तो उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, जो SC ST बनती है वो ठीक है, उसके बाद हमने तो वो बंदे चाहिए जो जिस आदमी ने प्रवीण ने केस नहीं मारे उसकी, उसको इंटरोगेट करो आप, उसको टॉर्च करो, उसको उसके ऊपर सियाई दबाव डलाओ, उसने पूछो भी 3-4 आदमी कौन थे, हमारी सबसे पहले डिमांड ये है, हमने भी चाहिए 1 रुपया भी, जो 10 लाख की जरूरत है मैं दे दूंगा भाई, समाज के 10 लाख रुपये मैं दे दूंगा, हमने नहीं चाहते रुपये, हमने बंदे चाहिए, हमने बंदे चाहिए जी 3-4। जो कार्रवाई कर रहे हैं ना वो हमने करनी पड़ती है, आपको चाहिए ना चाहिए तो तुम्हें बात को घुमा क्यों रहे हो? बात करने के लिए बुलाया है, बात करने के लिए बुलाया है, बात आके नहीं होती आप कल्याण विभाग भी डिपार्टमेंट तुम इतने वकील ना बनाओ, SHO है ना, वकील तो बनना जरूरी है यार, बात नहीं काट रहे, SHO है कि नहीं है, कार्रवाई है करेगा, कार्रवाई क्या करेगा, ये पकड़ नहीं कार्रवाई करते होगा, करेगा पकड़ेगा तो नहीं, फिर ये सारी चाल लेकर बात तो मैं एक बात बता दूँ।
कागज कार्रवाई जरूरी है, जब तक आप वो नहीं करोगे तो उड़ मिलेंगे, वो जरूरी जरूरी है, वो करो आप साथ ही साथ। अच्छा, कोई जिम भी जरूरी है, कोई उसकी भी जरूरी है। आपने जो मुकदमा दर्ज करा है ना कल, आपके पास 334 है 34 है 365 है और 32 है। ठीक है, ये दारा वही बन गया। एक बार एसी से बात कर, एक बार ना वो मुलजिम को पेश कर रहे हैं किसी मुलजिम। हाँ, फिर किले का पेश करने का फायदा क्या है इसको, या तो रिमांड पे लो, रिमांड करा दो, रिमांड मांग लो इसका। हाँ, तो अगर उसकी जगह रिमांड लो ना, रिमांड पे ना तो जी हल नहीं हो सकता। एक बार मेरी बात करा दो या मेरे को नंबर दे दो, बिना कोर्ट को पेश करे रिमांड नहीं देना, या तो मेरी बात करो। वही तो पहले ही मांग रहे हैं, रिमांड रिमांड मांग रहे हैं, वही तो कानून कर रहे हैं। सर, 7 दिन का रिमांड मांगा सर, मांग लिया 7 दिन का रिमांड मांगा से। हाँ, फिर ये तो सब बता रहा है, चलो ठीक है भैया।